दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एवेंटेल लिमिटेड पे, जिसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फेस वैल्यू 10 रुपये था पब्लिक इशू के टाइम पे। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में है और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर के फील्ड में है। कंपनी डिज़ाइनिंग करती है सॉफ्टवेयर की, कंपनी उसको डेवलप करती है, वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाती है और उसकी मेंटेनेंस करती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, रडार सिस्टम को डेवलपमेंट करती है और उसके नेटवर्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे भी काम करती है। और ये कस्टमर के लिए काम करती है, एयरोस्पेस के लिए करती है और डिफेंस सेक्टर के करती है। तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, जो हार्डवेयर भी बनाती है और सॉफ्टवेयर में भी काम करती है। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें, तो 2020 में 22 करोड़ का रिवेन्यू था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 77 करोड़ का रिवेन्यू था, 15 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 104 करोड़ का रिवेन्यू, 17 करोड़ का प्रॉफिट। 2023 में 154 करोड़ का रिवेन्यू, 26 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में 224 करोड़ का रिवेन्यू, 52 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस की बात करें तो 2020 में 4.15, फिर 37.82, फिर 44.34, फिर 16.25, 16.55, फिर 2.16। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.01, 0.00, 0.16, 0.26, 0.07। तो लगभग कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने 2023 के मुकाबले 2024 में काफ़ी कर्ज कम किया है। ईपीएस 2023 के मुकाबले 2024 में कम। 2023 में प्रॉफिट 26 करोड़ का था, जो बढ़ के 52 करोड़ हो गया, लगभग डबल। रिवेन्यू 2023 के मुकाबले करीब 30% ज़्यादा। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिवेन्यू पे अगर नज़र डालते हैं, तो हर साल रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट का ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 22 करोड़, 77 करोड़, 104 करोड़, 154 करोड़, 224 करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 26 करोड़ और 52 करोड़। कंपनी ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। हर साल 2020 से बढ़िया 2021 में, फिर 2022 में उससे बेटर, 2023 में उससे बेटर, 2024 में उससे बेटर। कंपनी जिस क्षेत्र में है, उसकी डिमांड बराबर बनी रहने वाली है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे लोकल कस्टमर हो। तो ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है निश्चित रूप से। इसके शेयर की वैल्यू हर साल होगी, हर रिजल्ट पे होगी। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 23 क्वार्टर में रिवेन्यू था 54 करोड़ का, प्रॉफिट था 16 करोड़ का। दिसंबर 23 क्वार्टर में 59 करोड़ का रिवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर में 31 करोड़ का रिवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर में 51 करोड़ का रिवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट। सेप्टेम्बर 24 क्वार्टर में 77 करोड़ का रिवेन्यू और 22 करोड़ का प्रॉफिट। सेप्टेम्बर 23 क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं सेप्टेम्बर 24 क्वार्टर से, तो 54 करोड़ रिवेन्यू के कंपेरिजन में 77 करोड़ का रिवेन्यू और 16 करोड़ प्रॉफिट के कंपेरिजन में 22 करोड़ का प्रॉफिट। तो सितंबर 24 क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर 23 क्वार्टर से बहुत ही शानदार, जो ये बताता है कि अगले क्वार्टर का भी रिजल्ट, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट था, वो पिछले जून क्वार्टर से बेटर था, जो ये बताता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट निश्चित रूप से 2024 के मुकाबले 2025 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट बेहतर ही साबित होगा, चाहे रिवेन्यू हो, चाहे वो प्रॉफिट के क्षेत्र में हो। एफआईएस के शेयर 0.11% है, जो कि पॉइंट जो अभी तक इस रिजल्ट से पहले 0.01 था। तो एफआईएस ने भी अपने शेयर परसेंटेज को बढ़ाया है। डीआईएस के शेयर 0.62% है, पब्लिक के शेयर 59.21% है, प्रमोटर के शेयर 40.06% है। प्रमोटर के शेयर थोड़े कम है, 50% से कम है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.07, जो कि कर्ज मुक्त समझें इस कंपनी को। रिजर्व और सरप्लस 157 करोड़ का है। कंपनी ने कर्ज लिया 17 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ का। फेस वैल्यू 2 रुपये है, बुक वैल्यू 8 रुपये 45 पैसे है। 52 वीक लो 86 रुपये था, 52 वीक हाई 224 रुपये। शेयर का प्राइस 8 अक्टूबर 2024 को 176 रुपये 40 पैसे। स्टॉक का पी 69.6, सेक्टर का पी 22.69। डिविडेंड यील्ड परसेंट 0.11। सेक्टर के पी से स्टॉक का पी लगभग 3 गुने ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है।
कंपनी ने दो बार बोनस दिया है, 2022 में एक शेयर पे 3 शेयर का, 2023 में एक शेयर पे 2 शेयर का। तो कंपनी ने समय समय पे अपने शेयर होल्डर्स को शेयर की वैल्यू अनलॉक कराने की कोशिश की है और उनको बेनिफिट भी दिलाया है। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर न तो शेयर को खरीदें न तो बेचें, इस रिसर्च का अपने रिसर्च के लिए हेल्प लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड होगा उससे एडवाइस लेके शेयर खरीद या बेचें। जहां तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, कंपनी का अगले फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट भी बेहतर होने वाला है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं। तो शेयर की वैल्यू हर क्वार्टरली रिजल्ट पे अनलॉक होगी, चाहे वो क्वार्टर फर्स्ट हो, चाहे क्वार्टर सेकंड हो, चाहे क्वार्टर थर्ड हो, चाहे क्वार्टर फोर्थ हो। ये एक अच्छा शेयर है, जिनके पास में ये शेयर है वो अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें सालों साल, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का बूम है, इंडिया मेक इन इंडिया का बूम है, ढेर सारी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं। टेली कम्युनिकेशन का क्षेत्र डिफेंस के लिए भी बहुत बड़ा है, लोकल के लिए भी बहुत बड़ा है। तो ये कंपनी निश्चित रूप से मल्टी बैगर साबित होगी और आने वाले सालों में इस शेयर की हर साल वैल्यू अनलॉक होगी, हर रिजल्ट पे वैल्यू अनलॉक होगी। ये बहुत बेटर कर सकती है कंपनी इंडिया के लिए भी और इंडिया से बाहर के लिए भी। तो दोस्तों जिनके पास शेयर नहीं है वो एक बार अपने रिसर्च को करें और लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ बेनिफिट ले सकें। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ पे स्वागत।